Hi everyone, today I am going to discuss next lecture of interview question of casting. ये हम लोगों का fifth lecture है. इसके पहले already हमने 40 question discuss कर लिया है जो कि casting का काफ़ी important question है. अगर आप लोग उसको नहीं देखे हैं तो आप लोग देख लीजिएगा ताकि वो question आपका छूट ना जाए. Welding का भी series हमने cover कर लिया है. Welding के total हमने 150 question करा दिया है आप लोगों को, तो उसको भी आप लोग जाकर देख लीजिएगा. उसका लिंक वीडियो का लास्ट में या फिर आपको आई बटन पर आपको मिल जाएगा. आप लोग वहां से जाकर उस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिएगा और वहां पर जो भी क्वेश्चंस मैंने कराए हैं वो भी किसी न किसी इंटरव्यू में पूछे गए हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके लिए आपके इंटरव्यू के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो लेक्चर को शुरू करते हैं. इस लेक्चर का फर्स्ट क्वेश्चन है, इरीगेशन पाइप इज़ मेड बाई विच कास्टिंग प्रोसेस. तो इरिगेशन पाइप जो होता है वो कौन से कास्टिंग प्रोसेस से हम लोग बनाते हैं. तो ये क्वेश्चन वेरी इजी भी है बट काफ़ी ज़्यादा कॉमनली पूछा जाता है कि इरिगेशन पाइप जो है अगर हमें बनाना है तो कौन सा कास्टिंग प्रोसेस यूज़ करेंगे. तो आप लोगों को पता होगा सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग प्रोसेस का हम लोग यूज़ करते हैं पाइप, हॉलो पाइप बनाने के लिए. तो इरिगेशन पाइप का भी हम लोग उसी से यूज़ करते हैं. सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग प्रोसेस का यूज़ करके हम लोग इरिगेशन पाइप को बनाएंगे. अब हम लोग देख लेते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग तो है बट उसका टाइप कितना होता है, कौन कौन सा टाइप का होता है सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग. तो सबसे फर्स्ट जो सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग है ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा. ऐसे सबसे फर्स्ट है आपको ट्रू सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग, सेकेंड है सेमी सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग और थर्ड है सेंट्रीफ्यूजिंग कास्टिंग. तो यहाँ पर आपको नाम इसका ध्यान में रखना है और बाकी इसका एप्लीकेशन मैं आगे आपको डिस्कस करने वाला हूँ. सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग, ट्रू सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग फर्स्ट हो गया, सेमी सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग आपको सेकंड हो गया और थर्ड हो गया सेंट्रीफ्यूजिंग कास्टिंग. ये आपको सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग का टाइप है. तो इसी में से आपको क्वेश्चन में बताया था लास्ट लेक्चर में कि सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग एक तरह का परमानेंट मोल्ड कास्टिंग होता है. यहाँ पर मोल्ड जो होता है वो परमानेंटली बना हुआ होता है. ध्यान में रखना है परमानेंट मोल्ड कास्टिंग कौन सा है, सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एप्लीकेशन ऑफ ट्रू सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग. एप्लीकेशन ऑफ ट्रू सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग, जो ट्रू सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग उसका क्या एप्लीकेशन है. तो ट्रू सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग का एप्लीकेशन जो हम लोग हॉलो पाइप्स बनाते हैं, इरिगेशन पाइप्स बनाते हैं, वो बनता है आपको एक्चुअल में ट्रू सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग से ही है. हॉलो पाइप हो गया, गन बैरल हो गया, हॉलो पाइप्स हो गए, ये सब जो चीज़ें हैं वो हम लोग ट्रू सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग से ही बनाते हैं. तो इसका एप्लीकेशन आप लोग देख लीजिए, हॉलो सिलेंड्रिकल पाइप हो गया, गन बैरल हो गया, प्रोपेलर शाफ्ट हो गया, ये सब हम लोग ट्रू सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग से बनाते हैं. इसी में आपको ये जनरली क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि व्हाट इज़ द वर्किंग ऑफ सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग. तो सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग का वर्किंग को एक्सप्लेन करने के लिए पूछ लेता है. तो ईजिली आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं, आप लोग जानते भी हैं. यहाँ पर जो मोल्ड होता है परमानेंट मोल्ड, वो कंटिन्यूसली रोटेट करता है और लेडल के हेल्प से हम लोग वहाँ पर मोल्टन मेटल को पोर करते हैं. ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मोल्टन मेटल होता है वो आपको जो रोटेटिंग वहाँ पर मोल्ड है वहाँ पर आउटर सर्कमफेरेंस पर वो जाकर प्लेस हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर जो भी हम लोग प्रोडक्ट है वो हम लोग को मिलता है और सर्फेस फिनिश यहाँ पर बेटर मिलता है. जो भी डिफेक्ट्स है या इम्प्योरिटीज है वो सेंटर पर कलेक्ट हो जाता है. तो इसको इजिली आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं. वैसे आगे मैं लेक्चर में इसको कवर कर लूँगा, आप लोग उसको ध्यान रखिएगा. वर्किंग ऑफ सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग भी इंटरव्यू में पूछ दिया जाता है. क्वेश्चन नंबर 4 है, एप्लीकेशन ऑफ सेमी सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग. सेमी सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग का क्या एप्लीकेशन है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा. सेमी सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग का यूज़ हम लोग पुली बनाने में करते हैं, फ्लाईव्हील बनाने में करते हैं, गियर ब्लैंक बनाने में करते हैं, ये सब चीज़ों का जो हम लोग सर्कुलर शेप में होता है और बीच में कुछ शेप है, साइड में कुछ शेप है, पुली है, स्पोक टाइप का बनाना है, फ्लाईव्हील है, गियर ब्लैंक है, उस टाइप में हम लोग सेमी सेंट्रीफ्यूगल का यूज़ करते हैं. पुली हो गया, फ्लाईव्हील हो गया, गियर ब्लैंक हो गया. इसके अलावा भी आप लोग डिफरेंट एप्लीकेशन है इसके बट मेनली यही है. क्वेश्चन नंबर 5 है, टाइप ऑफ डाई कास्टिंग. डाई कास्टिंग आप लोग सुनते हैं डाई कास्टिंग, ये भी एक तरह का परमानेंट मोल्ड कास्टिंग है, परमानेंट मोल्ड कास्टिंग है प्रोसेस है यहाँ पर, या फिर बोल सकते हैं एक तरह का स्पेशल कास्टिंग प्रोसेस है या फिर परमानेंट मोल्ड कास्टिंग प्रोसेस है. तो इसमें जो मोल्ड होता है वो परमानेंटली बना हुआ होता है और एक ही मोल्ड से हम लोग नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, सेम प्रोडक्ट नंबर ऑफ मास या मास प्रोडक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं, बोल सकते हैं. तो डाई कास्टिंग का आप लोग को बता दूँ मैं, ग्रेविटी डाई कास्टिंग होता है फर्स्ट,
फर्स्ट जो होता है वो ग्रेविटी डाई कास्टिंग होता है, और सेकंड जो होता है वो प्रेशर डाई कास्टिंग होता है। उसके बाद प्रेशर डाई कास्टिंग का दो टाइप होता है, जिसको हम बोलते हैं हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग, सेकंड होता है कोल्ड चैम्बर डाई कास्टिंग। तो ग्रेविटी डाई कास्टिंग फर्स्ट हो गया, फर्स्ट नंबर, और सेकेंड हो गया प्रेशर डाई कास्टिंग। और फिर प्रेशर डाई कास्टिंग में ए हो गया आपको हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग और बी हो गया कोल्ड चैम्बर डाई कास्टिंग। तो अगर आप लोगों को डाई कास्टिंग का टाइप पूछता है तो सबसे पहले बताना है ग्रेविटी डाई कास्टिंग, और फिर सेकंड में बताना है कि प्रेशर डाई कास्टिंग। फिर बताना है कि प्रेशर डाई कास्टिंग इज ऑल्सो क्लासिफाइड इन टू टू टाइप्स, दैट इज द फर्स्ट वन इज हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग एंड सेकंड वन इज कॉल्ड कोल्ड चैम्बर डाई कास्टिंग। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अप्लीकेशन ऑफ ग्रेविटी डाई कास्टिंग। जो भी टर्म मुझे मिल रहा है उससे रिलेटेड आपको जो भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं या पूछे जाएंगे वो मैं एक्सप्लेन करता चला जा रहा हूँ, जिससे कि आपको सिरली वाइज वो आपको अरेंज होता चला जाए और मिलता हुआ चला जाए। तो ग्रेविटी डाई कास्टिंग का अप्लीकेशन, इसका एक मेन अप्लीकेशन है आपको पिस्टन, इसी से हम लोग बनाते हैं ग्रेविटी डाई कास्टिंग से। पिस्टन जो बनता है इसी से बनता है। सेकंड जो है इंजन ब्लॉक जो होता है, इंजन ब्लॉक का हेड जो होता है वो इसी से हम लोग बनाते हैं ग्रेविटी डाई कास्टिंग से। तो पिस्टन हो गया, पिस्टन इसी से बनेगा, और इंजन सिलेंडर जो हेड होता है, सिलेंडर हेड जो होता है, जो इंजन ब्लॉक हेड भी बोल सकते हैं, या फिर इंजन सिलेंडर हेड जो होता है, सिलेंडर के ऊपर जो लगता है उसको, इसी का बनता है ग्रेविटी डाई कास्टिंग से बनता है। अब हम लोग देख लेते हैं एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर डाई कास्टिंग। तो प्रेशर डाई कास्टिंग का हम लोग यूज़ कहाँ कर सकते हैं? तो प्रेशर डाई कास्टिंग का यूज़ हम लोग कार्बोरेटर बनाने में करते हैं, फिर ऑयल सम्प बनाने में करते हैं, फिर गियर बॉक्स केसिंग बनाने में करते हैं, ये सब बनाने में। तो मेन इसका एप्लीकेशन कार्बोरेटर है, ये ध्यान में दीजिएगा। इसका एप्लीकेशन, इसका क्वेश्चन जो होता है वो आपको इसमें भी आता है, जो भी कंपटीशन के एग्जाम होते हैं उसमें आपको प्रेशर डाई कास्टिंग का बोल देगा तो कार्बोरेटर वहाँ पर ऑप्शन में रहेगा, ग्रेविटी डाई कास्टिंग होता है पिस्टन वहाँ पर ऑप्शन में रहता है, ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे। तो मेनली आपको कार्बोरेटर हो गया, गियर बॉक्स केसिंग हो गया, वायल शंप हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं, प्रेशर डाई कास्टिंग इज यूज्ड फॉर। अब यहाँ पर हम लोग को मटेरियल के लिए बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर प्रेशर डाई कास्टिंग जो होता है वो कौन से मटेरियल के लिए यूज़ करते हैं, फेरस के लिए करते हैं या फिर नॉन फेरस के लिए करते हैं? तो प्रेशर डाई कास्टिंग जो हम लोग यूज़ करते हैं वो नॉन फेरस मटेरियल के लिए करते हैं। नॉन फेरस मटेरियल का आपको मेल्टिंग पॉइंट कम होता है और पोलिडिटी बेटर होता है, इसलिए हम लोग नॉन फेरस के लिए इसका यूज़ करते हैं प्रेशर डाई कास्टिंग का। ध्यान में रखना है प्रेशर डाई कास्टिंग का यूज़ किस लिए कहाँ करते हैं, नॉन फेरस मटेरियल के लिए किस लिए करते हैं? बिकॉज नॉन फेरस मटेरियल का मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो कम होता है, बहुत हाई मेल्टिंग की हमें रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो इसलिए डाई का कॉस्ट जो होता है बहुत, वैसा मटेरियल का हमें रिक्वायरमेंट नहीं होता है जो बहुत हाई टेम्परेचर पर उसका वो विदस्टैंड कर पाए, बिकॉज यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट नॉन फेरस का कम है और इसकी फ्लूडिटी भी बेटर होती है। उसके बाद हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग इज़ यूज फॉर, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हॉट चैम्बर कोल्ड चैम्बर कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, ये इंटरव्यू में बहुत बार पूछा गया है कि हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग प्रोसेस कौन से मटेरियल के लिए करते हैं। तो इस ध्यान में रखना है, इट इज़ यूज फॉर लो मेल्टिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग पॉइंट नॉन फेरस मटेरियल। नॉन फेरस तो है ही, बिकॉज डाई कास्टिंग है, तो नॉन फेरस तो हम लोग अभी डिस्कस किए कि नॉन फेरस के लिए ही यूज़ करेंगे। तो नॉन फेरस में भी वैसा मटेरियल जो आपको लो मेल्टिंग पॉइंट जिसका है, जैसे कि टीन हो गया, लेड हो गया, जिंक हो गया, ये सब का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, इसलिए वैसा मटेरियल के लिए यूज़ करेंगे जो कि जिसका लो मेल्टिंग पॉइंट है। और नॉन फेरस तो इसका है ही, बिकॉज डाई कास्टिंग हम लोग यूज़ ही करते हैं प्रेशर डाई कास्टिंग आपको नॉन फेरस के लिए, तो लो मेल्टिंग पॉइंट नॉन फेरस मटेरियल के लिए यूज़ करेंगे इसको। एग्जांपल में आपको ये ध्यान रखिएगा, बिकॉज ये मटेरियल पूछ देता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मटेरियल ज़रूर पूछेगा आपसे कि हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग में जो मटेरियल यूज़ करते हैं, किस किस मटेरियल का हम लोग प्रोडक्ट बना सकते हैं, तो जिंक हो गया, लिड हो गया, टिन हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 है, कोल्ड चैम्बर डाई कास्टिंग इज़ यूज फॉर सिमिलरली, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हॉट चैम्बर पूछेगा तो कोल्ड चैम्बर ही पूछ ही देता है कि हॉट चैम्बर का कहाँ एप्लीकेशन है, कौन से मटेरियल में कर सकते हैं, कोल्ड चैम्बर का कौन से मटेरियल में हम लोग एप्लीकेशन है वो बताइए। तो कोल्ड चैम्बर में हम लोग हाई मल्टिंग पॉइंट लो नॉन फेरस मटेरियल, हाई मल्टिंग पॉइंट नॉन फेरस मटेरियल, नॉन फेरस तो रहेगा ही रहेगा, ये कंपलसरी है, बिकॉज अगर प्रेशर डाई कास्टिंग है या डाई कास्टिंग है तो नॉन फेरस तो है ही, बट नॉन फेरस के साथ यहाँ पर हाई मल्टिंग पॉइंट, जैसे कि आपको एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, मैग्नीशियम हो गया, उन सब केस में हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। तो ये जो डाई कास्टिंग का जो मैंने बताया, डाई कास्टिंग में प्रेशर डाई कास्टिंग का कहाँ एप्लीकेशन है, कौन से मटेरियल का, फिर प्रेशर के बाद हॉट का कहाँ है, कोल्ड का कहाँ है, ये दोनों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और प्रेशर डाई कास्टिंग और ग्रेविटी डाई कास्टिंग का एप्लीकेशन कौन कौन सा प्रोडक्ट बनाने में होता है वो भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पर कराया है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और किसी ने कैसे इंटरव्यू में पूछा ही गया है, और बहुत ही जनरली वो पूछा जाता है, फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है, इसलिए इसको अच्छे से ध्यान में रखिएगा। और रिविजन के लिए PDF भी अटैच है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप लोग जाकर उसको एक्सेस कर लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा, और डाउनलोड करके
उसको पढ़ते पढ़ते रहना है, रिवीजन करते रहना है ताकि राइट आंसर आप लोग वहाँ बता पाए। तो आप लोग को रिवीजन के लिए यहाँ पर एक क्वेश्चन मैंने लगाया है, एप्लीकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट कास्टिंग। इन्वेस्टमेंट कास्टिंग का क्या एप्लीकेशन है ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया है एक से दो लेक्चर पहले कि उसका क्या क्या एप्लीकेशन है, वो यहाँ पर आपको लिख कर कमेंट में आंसर करना है। तो वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं, वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। जिस भी क्वेश्चन में डाउट है उसको आप लोग वीडियो के कमेंट में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है और फेसबुक पेज का भी लिंक प्रोवाइडेड है, वहाँ पर भी आप ज्वाइन करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं चाहूँगा कि उसका राइट आंसर आप लोगों को या जो भी डाउट है उसको क्लियर कर पाऊँ। वीडियो को देखने के बाद लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि जो भी वीडियो मैं डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सही टाइम पर मिल पाए। थैंक यू सो मच।